डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। सीटेट में ईवीएस सब्जेक्ट में एक टॉपिक रहता है एलिफेंट हर्ड। कंपलसरी 1 मार्क का इस पे क्वेश्चन आता ही है पेपर में, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि ईवीएस में कंटेंट 15 मार्क्स का आता है, ईवीएस में कंटेंट 15 मार्क्स का आता है और पेडागोजी 15 मार्क्स की रहती है। तो जो कंटेंट है, तो ये कंटेंट में जो एनसीएफ ने जो थीम दी है, NCF 2005 के हिसाब से जो थीम दी गई है वो 6 थीम है, और उस 6 थीम पर ही पूरा कंटेंट है, उसी पर क्वेश्चन होते हैं। फिक्स सिलेबस है, फिक्स कंटेंट है उसका, तो 15 मार्क्स लेना बहुत आसान हो जाता है। वही एक जो टॉपिक है उनमें से वो है एलिफेंट हर्ड, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। एलिफेंट हर्ड मेड अप ऑफ फीमेल एलिफेंट। जो एलिफेंट हर्ड होता है, जो अब ये हर्ड क्या है, ये जो गुच्छा ग्रुप होता है, जो ग्रोह होता है, उर्दू में उसे ग्रोह कहते हैं, ग्रुप, जो ग्रुप होता है उसे हर्ड कहते हैं। जब बहुत सारे एलिफेंट्स एक साथ मिलकर झुंड में रहते हैं तो उसे हर्ड कहते हैं, और ये हर्ड बनता है फीमेल एलिमेंट्स। जो जितने भी फीमेल एलिफेंट्स रहते हैं उनमें कुछ मेल होते हैं, लेकिन वो आगे जाके अपने हर्ड से, अपने ग्रुप से निकल जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर इसमें फीमेल ही रहते हैं और बेबी एलिफेंट्स रहते हैं। तो एलिफेंट का जो हर्ड बनता है वो फीमेल एलिफेंट, मोस्टली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट से बनता है। मेल इसमें रहते हैं, लेकिन ये अपने हर्ड में सिर्फ 14 to 15 ईयर तक ही रहते हैं। जब तक वो 14 to 15 ईयर के हो जाते हैं, उसके बाद वो अपने हर्ड से अलग हो जाते हैं, अपने उस ग्रुप से, झुंड से अलग हो जाते हैं। ओल्ड फीमेल एलिफेंट इज लीडर ऑफ हर्ड। यहाँ पर देखिए कि जो फीमेल रहती है एलिफेंट, और जो बहुत ओल्डेस्ट रहती, जो सबसे ओल्ड रहेंगी वो लीडर रहेंगी अपने हर्ड की। फीमेल लीडर डिसाइड एवरीथिंग। जो लीडर रहेगा वो भी डिसाइड करेगा हर चीज़, वो अपने हर्ड के, अपने ग्रुप के, अपने ग्रोह के लिए हर चीज़ को डिसाइड करता है। 3 मंथ ओल्ड एलिफेंट हैज़ 200 kg वेट। जो एक 3 मंथ का बेबी रहता एलिफेंट का, उसका वेट 200 kg होता है। अडल्ट एलिफेंट ईट 100 kg लीव्स एंड ट्विग्स इन अ डे। ये देखिए यहाँ पिक्चर में, एक जो अडल्ट एलिफेंट होता है, यानी कि एक बड़ा, एक बालिग जो एलिफेंट रहता, तो वह 100 kg लीव्स, पत्ते खाता है, और ट्विग्स, टहनियाँ, शाखे वगैरह को खा लेता है। ये याद रखना है, अक्सर इस पे क्वेश्चन आता है, एक तो वेट पे, बेबी एलिफेंट के वेट पे, और इसके कि कितना खाता है दिन में एक अडल्ट एलिफेंट। दे डू नॉट रेस्ट वेरी मच। एलिफेंट की एक चीज़ है देखिए कि ये लोग कभी भी ना रेस्ट नहीं करते बहुत ज़्यादा, हालांकि उनकी बॉडी हेवी है फिर भी वो रेस्ट नहीं करते। एलिफेंट स्लीप 2 to 4 hours ओनली। ये दिन में, डे टाइम में 2 to 4 hours, मोस्टली 2 to 4 hours ही सोते हैं, मतलब कि ये ज़्यादा रेस्ट नहीं करते, हालांकि उनकी बॉडी हेवी है। लव टू प्ले इन वाटर एंड मड। यहाँ एलिफेंट को वाटर और मड में, मड कीचड़, वाटर और मड में खेलना काफ़ी अच्छा लगता है। मड कीप देयर स्किन कूल। अब ये जो मड होता है, ये जो कीचड़ होता है, तो ये पूरा कीचड़ इनकी स्किन को कूल कर देता है, ठंडक मिलती है मड से। एयर वर्क लाइक फैन। अब इनके जो बड़े बड़े ये कान होते हैं, तो ये फैन की तरह काम करते हैं। कीप देमसेल्फ कूल। अब इन बड़े बड़े कान से वो अपने आप को ही हवा देते हैं और ठंडा रखते हैं। प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पे। देखिए 1 मार्क का क्वेश्चन तो आता ही है, अभी लास्ट ईयर भी आया था एग्जाम में सीटेट के, और ये छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन क्वेश्चन इस पे आते ही है, तो हम देखेंगे। कुछ क्वेश्चन ही ली हूँ मैंने उसमें से। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एलिफेंट। अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें पहचानना है। फर्स्ट, एलिफेंट लाइक टू टेक टू मच रेस्ट बिकॉज ऑफ देयर हेवी वेट। अब देखिए, अभी हमने पढ़े कि वो डे टाइम में 2 to 4 hours तक ही सोता है, तो ये रेस्ट तो लेता ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। अ 3 month old बेबी एलिफेंट जनरली वेट्स अबाउट 2 quintals। अब ये तो अभी हमने देखे कि 200 kg वेट होता है एक 3 month elephant बेबी का, तो ठीक है, ये तो राइट है।
दूसरा, एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट इवन मोर देन 2 क्विंटल ऑफ लीव्स एंड ट्विक्स इन अ डे। अभी मैंने आप लोगों को बताई हूँ कि ये तो सिर्फ 100 kg खाते हैं एक दिन में, तो ये 2 क्विंटल दिया गया है, तो वो तो रॉन्ग हो गया, ये हो गया रॉन्ग। एलिफेंट स्लीप फॉर 2 to 10 hours इन अ डे, ये तो बिल्कुल गलत है, वो तो सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोते हैं दिन के टाइम में। तो कितना ईजी था इसका आंसर निकालना, कंसेप्ट समझने के बाद आंसर बहुत आसानी से मालूम हो जाता है। एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ से हमें जो सही ट्रू स्टेटमेंट है वो सेलेक्ट करना है। फर्स्ट है, एलिफेंट लव टू प्ले विथ मडी वाटर एज इट कीप्स देयर स्किन कूल। ये तो राइट है, एलिफेंट को बहुत ज़्यादा पसंद होता है मडी वाटर में खेलना, क्योंकि वो उसकी स्किन को, जो कीचड़ है, कीचड़ और पानी मिलके उसकी स्किन को ठंडक देते हैं, कूल रखते हैं, राइट है ये। मोस्ट एलिफेंट लाइक टू टेक रेस्ट एंड स्लीप नियरली 10 hours अ डे। ये तो बिल्कुल गलत है, अभी हमने पढ़े कि वो 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अ 3-month-old एलिफेंट वेट अबाउट 200 क्विंटल। ये राइट है कि एक 3 month का जो बेबी एलिफेंट होता है उसका वेट 200 होता है kg। मोस्ट अडल्ट एलिफेंट ईट अबाउट 100 kg ऑफ लीव्स एंड ट्विक्स। ये भी अभी हमने देखे कि एक अडल्ट एलिफेंट जो होता है तो वो 100 kg पत्ते और टहनियाँ, शाखें वगैरह को खाता है, तो ये भी स्टेटमेंट राइट है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट ये है देखिए सी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये वाला फिर हो गया राइट। सीटेट में आपको हर क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करना पड़ता है, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो देखिए 1 मिनट में आसानी से ये सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट। अब यहाँ पे जो एलिफेंट के हिसाब से जो स्टेटमेंट सही है वो कंसीडर कीजिए। देखिए जो राइट है, फर्स्ट है, एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप 2 to 4 hours ओनली इन अ डे। ये प्रीवियस अभी लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ सीटेट का उसमें आया हुआ है, हाँ, कि ये 2 to 4 years ही सोते हैं, ये राइट है। सेकेंड, एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 200 kg ऑफ लीव्स एंड ट्विक्स इन अ डे। देखिए ये तो है ही नहीं, क्योंकि ये 100 खाते हैं, तो ये वाला हो गया रॉन्ग। दे लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर, द मड कीप देयर स्किन कूल। हाँ ये तो सही है कि मड उनकी स्किन को कूल रखता है। इन एलिफेंट हर्ट द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड एवरीथिंग। जो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट रहती वो लीडर रहती हर्ट की, तो इसलिए वो सारी चीज़ों को तो डिसाइड ही करेंगी, डिसीजन उसी का होगा, इसलिए ये भी राइट है। तो ए सी एंड डी, ये देखिए सी डी एंड ए, ये यहाँ ए सी एंड डी, ये राइट है। देखिए कितना आसान है 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना, और सीटेट में आपको हर सब्जेक्ट का हर क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करना पड़ता है, और हो भी जाता है अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। इमाम टीचिंग इंस्टीट्यूट की जानिब से 16 अगस्त से ऑनलाइन क्लास जूम ऐप पर स्टार्ट हो रही है, रजिस्ट्रेशन इसके जारी है। आपको अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सीटेट एग्जाम कंसेप्ट पर बेस्ड है, अगर आप इसका सिलेबस, इसका कंसेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं तो बहुत आसान होता है कि आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मेरा वीडियो शेयर कीजिए, अल्लाह हाफिज़।